फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। कभी कभी एक फिल्म एक कहानी बरोबर से बयां नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभी एक तस्वीर भी पूरी की पूरी कहानी बयां कर देती है। कुछ इसी तरह की ये तस्वीर है। ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है। जब छोटी सी बच्ची अपनी दादी को वृद्धाश्रम में पाती है तो वो रोने लगती है। ये सोशल मीडिया पर फोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, और मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये फ़ोटो वायरल हो रही, बट इसके पीछे की काफ़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सच्चाई क्या क्या सच्चाई है, ये फ़ोटो कब की है, और ये वायरल क्यों हो रही है, और इसे कई सारे जैसे कि आम आदमी पार्टी के सीएम जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया है, हमारे क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शेयर किया है, मधु भंडारकर बॉलीवुड आई मीन बॉलीवुड डायरेक्टर उन्होंने रिट्वीट किया है। क्यों आखिर इस तस्वीर को लेकर इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है ये, या हो हल्ला मच रहा है? चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले अनिता चौहान नाम की किसी महिला ने ये शेयर किया है, साफ साफ है, नेशनलिस्ट वॉइस ऑफ वुमेन, उन्होंने शेयर किया है, ठीक है। और ये फ़ोटो शेयर करते ही आप देखो उनके पास 43,000 लाइक्स आए हैं, 18,130 रिट्वीट्स हुए हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक कितना ये शेयर हुआ होगा अभी तक, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्वीट ज़्यादा वायरल हो गए। यहाँ पे क्या लिखा है पहले आपको बता दूँ। ए स्कूल ऑर्गेनाइज ए टूर टू एन ओल्ड एज होम एंड दिस गर्ल फाउंड हर ग्रैंड मदर देयर। व्हेन शी यूज टू आस्क हर पेरेंट्स अबाउट द व्हेरअबाउट्स ऑफ ग्रैंड मा, शी वॉज टोल्ड दैट शी हैज़ गॉन टू मीट हर रिलेटिव। दिस इज सोसाइटी वी आर क्रिएटिंग। बहुत ही क्लियर इन्होंने कहा है कि एक स्कूल में ऐसी फंक्शन था, आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स डे कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने वाले थे। उस दिन क्या किया उस स्कूल के बच्चे को, गुजरात की स्टोरी है, ठीक है, उस स्कूल के बच्चों को लेके गए एक वृद्धाश्रम, यानी कि ओल्ड एज होम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और वहाँ पर जब गए तो एक बच्ची ने अचानक रोने लगी वहाँ पर, और बाद में पता चला कि जिसको जिसको देख कर रो रही है कोई एजिड जो लेडी है, वो लेडी भी देख कर इसे रोने लगी। बाद में पता चला कि ये इसी की दादी है, यानी कि बा जिसे कहते हैं गुजराती में, और ये यहाँ तक स्टोरी ये दुनिया को पता है, ठीक है। लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है, कब की स्टोरी है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर इस बच्ची को उसके माँ बाप कहते थे कि वो उनकी दादी जो है वो कहीं रिलेटिव्स के पास गई है, यानी कि रिश्तेदारों के पास गई है। अब यहाँ पर इस पूरे मसले पर दादी ने खुद का जब कहा तो लोगों के होश उड़ गए। चलिए आपको बताता हूँ क्या आखिर स्टोरी है, क्या कहानी है। और यहाँ पर बीबीसी ने साफ साफ इसके बारे में सच ढूंढ कर निकाला है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्वीट के नीचे कई सारे लोगों ने जो प्रॉपर है उन्होंने ट्वीट किया है, और यहाँ पर साफ साफ यही बातें की है कि आजकल देश के जो लोग हैं उनके संस्कार किस तरह से होते जा रहे हैं, कितनी डिफ़िकल्ट या कितनी पेनफुल स्टोरी है। देखिए सब 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 वेरीफाइड लिंक्स वाले लोगों ने ट्वीट रिट्वीट किया है स्टोरी के बारे में। अब इस स्टोरी की असली सच्चाई बताता हूँ, लेकिन हाँ ये कोई गलत नहीं है, ये स्टोरी इसी तरह की आजकल सच्चाई देखी जा रही है हर जगह। और यहाँ पर आपको अब मैं बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो बीबीसी ने इंटरव्यू लिया, बीबीसी ने जो इंटरव्यू लिया उसे मैं जस्ट ओपन करके आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। ये फ़ोटो जो है 2007 का है, और ये फ़ोटो है अभी हाल फिलहाल का, ठीक है। बच्ची सेम है, दादी जी भी सेम है, और इसके बारे में और सच्चाई बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जो फंक्शन हुआ था यहाँ पे, कल्पित जो आप देखोगे कल्पित फोटोग्राफर है, उन्होंने फ़ोटो खींची थी। ये देखिए हरभजन सिंह ने भी फ़ोटो शेयर की है, और सच्चे लिखा है कि शेम ऑन सच पीपल, यानी कि शेम यानी कि बुरा भला कह रहे कि इस तरह के जो लोग करते हैं, जो अपने दादी माँ बाप को है ना वृद्धाश्रम भेजते, वो बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो फ़ोटो शेयर किया था इन्होंने, इसकी असली सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो इनकी दादी रहती है वो अपनी मर्ज़ी से जाती है वृद्धाश्रम में रहने। जी हाँ, ये सच्चाई है, खुद दादी ने कबूल किया है। लेकिन ये जो तस्वीर जब छपी थी दैनिक भास्कर में, जिस दिन ये फ़ोटो खींची गई थी 2007 में, उसके दूसरे दिन, तो वो जो कैमरा में आई मीन जो जिसने फ़ोटो खींची थी वो आई थिंक स्कूल वाले ने ही बुलाया था उसे, और वो जब गया, ये देखिए ये 11 साल पुरानी तस्वीर है, और जब वो गया था तो उसे कहा गया था कि आपको वृद्धाश्रम जाना है और फ़ोटोज़ खींचें, तो उसको लगा कि नॉर्मल फ़ोटोज़ खींची ना, कि बाद में उसे जब ये दृश्य दिखा, जब उन्होंने कहा कि बच्चे और वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं सब साथ में आ जाओ ताकि फ़ोटो अच्छे से आए, तो वहाँ पे जब ये लड़की देख कर रोने लगी तो उसने ये फ़ोटो खींच लिया। और जब कहानी पता चली तो आसपास आप देख सकते हैं पूरा के पूरे लोग रोने लगे कि आखिर कि ये माजरा है, क्योंकि उसकी दादी कहीं रिलेटिव के पास नहीं गई थी, उसकी दादी वृद्धाश्रम में थी, ठीक है।
अब भक्ति जो उस लड़की का नाम, उसने क्या कहा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी दादी अपनी मर्ज़ी से वृद्धाश्रम में रह रही है और उनमें किसी ने बोझ नहीं किया है, मतलब उनको किसी ने दबाव नहीं डाला था। मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ होंगी, ये पता था कि वो जा रही है, लेकिन किस वृद्धाश्रम में होगी ये नहीं पता था। यानी कि इस बच्ची को नहीं पता था। जब इसे माँ बाप से पूछा तो उसके माँ बाप ने बोला कि वो रिश्तेदारों के यहाँ पर गई हैं। और यहाँ पर उस बच्ची ने भी कहा, भक्ति ने, कि उसकी दादी ने खुद अपनी मर्ज़ी से वृद्धाश्रम जाने की सोची। और ये है वो कैमरामैन जिसने तस्वीर खींची थी 11 साल पहले, और ये तस्वीर ने पूरे के पूरे गुजरात को हिला दिया था, क्योंकि दूसरे दिन बस यही खबर थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये समाज को क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए 12 सितंबर साल 2017 को ये याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं स्कूल आई थी, अच्छे बच्ची ने कहा है, ग्रैंड पेरेंट्स डे था, मतलब है ना बुजुर्गों का दिन था, ग्रैंड पेरेंट्स डे था उस दिन। मुझे नहीं पता था कि वहाँ अचानक मेरी दादी मिल जाएंगी, वो जाने वाली थी ये पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो वहाँ मिलेंगी। ठीक है, 11 साल बाद फोटो वायरल होने के बारे में भक्ति ने कहा, यानी कि ये फोटो एक्चुअली, ये जो फोटो है ना, ये कहाँ गया, ये फोटो ना 11 साल के बाद अब वायरल हो रहा है। 2007 की खबर है लेकिन फोटो अब वायरल हो रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, संवेदनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए जो लिखा जा रहा है वो अच्छा नहीं है। कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से वृद्धाश्रम में रहते हैं, उन्हें कोई छोड़कर नहीं जाता। मेरी दादी भी ऐसी ही है, यानी कई लोग अपनी मर्ज़ी से वृद्धाश्रम जाते हैं। और यहाँ पर साफ साफ है कि जो इनके पेरेंट्स को ब्लेम किया जा रहा है, यानी कि इसकी माँ बाप को या फिर इनके इनके बेटे को और बहू को, वो गलत है, क्योंकि इनकी दादी जो है उनकी मर्ज़ी से ही गई थी वृद्धाश्रम। ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपको BBC पे मिलेगा स्पेशली। अब यहाँ पर जो फोटोग्राफर है उसने भी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कही हैं, और कई सारे फोटोज़ उसने उस दिन खींचे थे कल्पित बागेश ने, और ये कहीं ना कहीं पूरी कहानी है। लेकिन हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो आता है हम तुरंत उसको शेयर कर देते हैं। हम नहीं जानते कि उस फोटो की सच्चाई क्या है, वो फोटो में कितना सच है, उसमें कितनी बातें सही है, कितनी बातें गलत हैं। और हाल ही में आपको पता हो या ना हो, कल कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप के CEO है वो आए थे इंडिया में, दिल्ली में, वो रविशंकर प्रसाद जो हमारे IT मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनसे मुलाकात करके गए। और उन्हें बस यही कहा गया, IT मिनिस्टर ने जो यही कहा BJP के जो है, कि कई सारे जो फेक मैसेजेस व्हाट्सएप पे घूमते, कई सारे जो गुस्सा दिलाने वाले मैसेजेस घूमते, कई सारे जो गलत मैसेजेस घूमते हैं, जहाँ कहाँ से सर्कुलेट होते हैं या कौन लोग होते हैं इसके पीछे, उन्हें आप क्रैकडाउन आसानी से कर सकते हो, उन्हें आप आसानी से पकड़ सकते हो। तो प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द रोक लगाइए। अगर आप इस चीज़ों पर रोक नहीं लगाते हो फेसबुक पे, सॉरी जो व्हाट्सएप इस तरह की गलत खबरें वायरल होती हैं, तो आप पर आपको भी फिर आपको फेस करना पड़ेगा इश्यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐप के ऊपर फिर ये होगा कि ऐप को ब्लॉक करेंगे व्हाट्सअप को, मे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐप अगर नेसेसरी एक्शन नहीं लेगा। इंडिया में आपको पता होगा मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मॉब लिंचिंग नहीं पता तो आपको बता दूँ, गुस्से में आकर कोई ग्रुप के बंदा किसी को मार देता, अलवर वाली जो घटना हुई थी, कैसी घटना है, मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, बट यही कहूँगा कि मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर। तो ये सब इसी सोशल मीडिया से ही फैलती है, यानी कि हमें उस खबर के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता होता है। हमें कोई इमोशनल मैसेज लिख के भेजता है, एकदम मस्त बना बना के ऐसा इमोशनल भेजता है कि बस ये असल में हो ही रहा है, तो हम उसे तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर आपका दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ऐसी वीडियोज़, ऐसे मैसेजेस, ऐसे ट्वीट्स, आप चीज़ें शेयर मत करिए कहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है या उस पर आप कन्फर्म हो, आपको लगता है वो सच है या सही है, तब आप उसको शेयर करो। एक आपको घटना याद नहीं है, साउथ इंडिया में एक बहुत ही बड़े नेता थे, आई थिंक किसी पार्टी के, उन्होंने ऐसे ही, उनको एक मैसेज आया था सोशल मीडिया पर, उन्होंने वो मैसेज ना शेयर कर दिया था फेसबुक पर, कोई वुमेन से जुड़ा हुआ था, महिलाओं से जुड़ा हुआ, और पता चला कि वो खबर ही गलत थी, उन पर केस हो गया भाई, उन पर केस हो गया। भले ही वो उन्हें ज़मानत मिल गई, लेकिन उन पर केस हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। तो अफकोर्स खबर दर्दनाक है, ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी की हकीकत को दर्शाती है, कि कहीं ना कहीं जिसे दादी जी के बारे में बात की जाए, तो उन्हें जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो घर में नहीं बल्कि उन्हें वृद्धाश्रम में मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, दादी ने खुद कहा कि उनके बेटे से हमेशा बात होती है, बहू से बात होती है, खाना वो बहू उनके लाती है, लेकिन यहाँ पर समाज, यहाँ पर ऐसा होता है
आ रहा है कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे लोग मर्ज़ी से घर के बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर ज़रूर एक बहुत बड़ा चोट पहुँचाती है, लेकिन हाँ, इस खबर की सच्चाई मैं यही बताना चाह रहा था कि ऐसी खबरें जो इमोशनल करे आपको, ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कहीं किसी की गलती हो या ना हो, आपको जब तक उसके बारे में क्लियर नहीं पता तब तक आप उसको शेयर मत करिए। मैं दो दो चीज़ें